मदरसा जियारुल उलूम में काकोरी एक्शन पर हुए कार्यक्रम, मदरसा छात्रों को दी काकोरी एक्शन की जानकारी। देखिए संभल से उमेश गुप्ता, जी न्यूज इंडिया। संभल मदरसा जियारुल उलूम सराय तरीन संभल में काकोरी ट्रेन एक्शन हेतु शासन आदेश का पालन करते हुए और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग संभल के दिशा निर्देश अनुसार जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी श्री दिलीप कुमार जी के मार्गदर्शन में मदरसा जियारुल उलूम सराय तरीन के छात्र छात्राओं को काकोरी ट्रेन एक्शन के बारे में प्रधानाचार्य ने विस्तृत रूप से जानकारी दी, जबकि मदरसा छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। प्रधानाचार्य राशिद अली ने बताया कि काकोरी ट्रेन कांड अब काकोरी ट्रेन एक्शन चर्चा में क्यों, क्योंकि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के स्वाधीनता संग्राम के इतिहास के एक अहम अध्याय काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है, इसीलिए इसका नाम बदल दिया गया है। बोले कांड शब्द भारत के स्वतंत्रता संग्राम के तहत इस घटना के अपमान की भावना को दर्शाता है। वरिष्ठ शिक्षक नासिर अली खान ने बताया कि काकोरी ट्रेन एक्शन एक ट्रेन डकैती थी जो 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नामक गांव में ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों द्वारा की गई थी। इस कार्यवाही में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी, केशव चक्रवर्ती, मुकुंदीलाल, बनवारीलाल सहित 10 क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था। मोहम्मद मशकूर बोले कि स्वतंत्रता सेनानी रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह को 19 दिसंबर 1927 को काकोरी डकैती में शामिल होने के लिए फांसी पर लटका दिया गया था, जिनकी कुर्बानी को देश सदैव याद रखेगा। इस अवसर पर मदरसे के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम सुंदर मंचन किया। इस आयोजन के आयोजक के मौके पर मदरसे का समस्त स्टाफ मुख्य रूप से मौजूद रहा।